अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अभी अली और मैं जा रहे हैं नूरवाला पे, नूरवाला अड्डा उसे कहते हैं। तो उधर शाहीन फैक्ट्री के कुछ मकान बने हुए हैं नए, तो उनके दरवाज़े लगाने थे, तो उनकी परमिशन करने जा रहे हैं दरवाज़ों की। तो जिस दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से पंजाबी मुंडा को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया सब दोस्तों का। तो माशाल्लाह, और सब दोस्त कैसे हो? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। तो अली भाई से बात करते हैं। अली भाई कहाँ जा रहे हैं? जी हम इस टाइम जा रहे हैं नूरवाला पे, वहाँ कुछ नई बिल्डिंग बनी है और उधर जा रहे हैं माइश वगैरह लेनी है सर भाई के साथ। तो अभी हम उधर पहुंच के बात करते हैं आपसे। असल में व्यूअर्स, मैं लकड़ी का काम करता हूं, इसलिए आप दोस्तों ने सबने कहना है कि रोज़ दरवाज़ों के पैसे और लकड़ी के काम के बारे में जो मैं काम करता हूं, मैं खैर उसी के बारे में बताऊंगा आपको। तो माशाल्लाह से मेरा व्लॉग भी हो जाता है और हम कारोबार भी साथ साथ कर रहे हैं। दुकान भी ज़रूरी है ना। तो अभी माशाल्लाह से हम मेन रोड से नीचे उतर चुके हैं, वो सामने मकान है शाहीन फैक्ट्री वालों का। तो उसके दूसरे पोर्शन पे दरवाज़े लगाने हैं, तो दिखा देते हैं व्यूअर्स को। ये मतलब जो आजकल खाल कर रहे हैं उनके लिए ये बनाते हैं खाले सीमेंट के। क्या समझ आती ध्यान न जो गाड़ी है इधर रेत के बहुत बड़े बड़े टीले हैं, यहाँ गाड़ी को बहुत एहतियात से चलाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ फिसलने का खतरा होता है जिसकी वजह से आपको जिस्म पर चोट भी आ सकती है। सिर्फ तो जिस्म पर, जिस्म पर जो जिस्म के किसी भी हिस्से पर, इसीलिए एहतियात बहुत जरूरी है। रोड भी देख लेना आप। हयात माइनर, हयात माइनर। अली भाई पानी पी रहे हैं, मेरा ख्याल में इनको काफ़ी प्यास लग चुकी है। अली भाई ये कौन सी नहर है? ये हयात माइनर, यात माइनर है। यहाँ पर हम रुके हैं, अभी इधर से पानी पियेंगे, दो मिनट स्टे करेंगे इधर, उसके बाद फिर अपने सर की तरफ रवाना हो जाए। चलो जी माशाल्लाह, ये आप जो पी रहे हैं ये पानी है? नहीं है? नहीं असल ये मिनरल वाटर है, नेस्ले के पानी से अच्छा है। ये इस वक्त हम गुजर रहे हैं यात माइनर से,
ये हयात माइनर का व्यू है, चेक करें आप। और इसके साथ ही ये हयात फ्लोर आटे की मिल है, आटे की मिल भी है इधर, आटे की मिल भी है ये साथ में। दिखाते हैं लेकिन आपको इससे पहले ये बतके हैं इधर, तो इनका व्यू दिखाते हैं, चेक करें। हयात माइनर में तो इंजॉय कर रही हैं, ना इंजॉय कर रही हैं बतके हैं। अच्छा तो वो आगे जा रही हैं, दरमियान में जा रही हैं। अच्छा ये डूबती नहीं है ना? ये डूबती नहीं है, ये तैरती रहती हैं, ये पानी का जानवर है। अच्छा बोलती भी हैं? बोलती भी, चेक करें। बोलती बंद हो जाओ सीना भी। अच्छा ये साथ में मिल है आटे वाली, हयात माइनर के साथ ही ये सामने आटे वाली मिल है, चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह से मस्जिद और पीछे जो है होटल वगैरह बना हुआ है, तो एरिया भी वसी है काफ़ी। इधर ट्राले वगैरह बहुत ज़्यादा रुकते हैं, नमल लावा काफ़ी मशहूर पंप है पाकिस्तान के सब शहरों के जो ट्रैफिक। तो इस पे आप देख सकते हैं दीवारें चीन भी है माशाल्लाह से, चेक कर लें, दीवारें चीन बना रखी है इस पंप पे, दीवारें चीन पर ट्राला भी जा रहा है। ये देखें पाकिस्तानी को कहाँ, चेक कर लें रक्षे पे कितना लोड किया हुआ है, ओए ओए चेक करें रक्षे का बनाया क्या है इन लोगों ने, ये देखें ये शहीन फैक्ट्री वाले हैं, इनका उधर मकान था, तो आप देख सकते हैं काफ़ी वसी इनका कारोबार है, और इनके दरवाज़े लगाने हैं उधर बिल्डिंग में, तो यही फैक्ट्री का मालिक है जिसके हम दरवाज़े लगाने थे, उसकी फरमाइश करने गए थे। तो ये सामने हमारे मुजाहद भाई और साजिद भाई, इनकी ब्लॉकों की फैक्ट्री है, तो आपको इधर का व्यू भी दिखा देते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ब्लॉकों की फैक्ट्री, ब्लॉक कैसे बनते हैं आपको दिखा देते हैं। ये इसलिए कि पानी गर्म ना हो जाए, ये ब्लॉक बने हुए हैं, तो
ये माशाल्लाह से बजर मिक्स हो रहा है। अभी ये भाई ट्राली लेकर जाएंगे और मशीन में डालकर गुलाग बनाएंगे। तो ये भाई लेके जा रहे हैं उधर से, और ये भाई इधर मशीन पे ही खड़े होते हैं ताकि इनकी अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए और गुलाग बना रहे हैं। खा लेते हैं। कोई भी कोई मजात था अज चला उधर दिखाने ए हुन बनाने ने ब्लॉग ओ फुल जाम हो गई। कितना टाइम लग जाएगा? तो अभी आपको व्यूअर दिखा देते हैं ब्लॉग बनाते हैं मशीन के साथ। वो कह रहे हैं फुल जाम हो गई है मशीन की, वो सेट करके तो दिखाते हैं। ये मैंने आपको मतलब मिक्सिंग वाली मशीन तो आपको दिखा दी, तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है और कैसे चलती है। ये बहुत बड़ी गरारियाँ लगी हुई हैं, चेक कर सकते हैं। ये पीटर लगा हुआ है 20 पावर का। दिखा देते हैं फिलहाल। ये भाई कह रहे हैं मशीन की पुली जाम हो गई है, तो दिखा देते हैं। इधर बजर वगैरह डालकर ब्लॉक बनाए जाते हैं इसमें। तो ये आपको ब्लॉक बने हुए भी दिखा सकते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही क्वालिटी वाले हैं, बहुत ही म्यारी ब्लॉक बनाते हैं। ये बहुत ही म्यारी ब्लॉक बनाते हैं मुजाहिद भाई और साजिद भाई, इनकी ये फैक्ट्री है। तो अली भाई क्या कह रहे हो? बोला कि ये बहुत ही हैवी मटेरियल से तैयार करते हैं। अच्छा, बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं और अच्छे और सस्ते दाम में ये देते हैं लोगों को। अच्छा मैं कल गया था, जिन लोगों के दरवाजे लगाने थे ना मैंने, तो इधर से ब्लॉक वो लेके गए हैं, तो वो कह रहे थे बहुत अच्छे ब्लॉक हैं। ये न्यू अभी काम शुरू किया है, जहाँ कहीं भी जा रहा है माल लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, कम रेट पे हैवी माल दे रहे हैं, आवाम के लिए रिलीफ है और बहुत अच्छा कारोबार भी है और आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ भी है। अच्छा, वो बाबा जी ना तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मुजाहिद की फैक्ट्री के ब्लॉक बहुत ही टॉप क्लास हैं, तो सीमेंट अच्छा खासा डालते हैं, तो काफ़ी मतलब के पायदारी है इनके ब्लॉकों की, जो है ना वो टूटते नहीं हैं। ये माशाल्लाह से चेक करें। अभी हम बाइक पे बैठ चुके हैं तो जा रहे हैं शॉप की तरफ। वो मशीन का काफ़ी काम लंबा है, वो भाई कह रहे हैं अभी कोई घंटा दो लग जाएंगे, तो हमने कहा चलो दुकान पर जा काम करते हैं। तो ये भाई अभी छांव पे बैठ कर काम करेंगे। ये राणा जी तो आपने देखे होंगे, बहुत मशहूर हस्ती है माशाल्लाह से। ये इधर सस्ते दामों में केले बेच रहे हैं राणा जी। कितना हाल है? केले बेची जाने हैं कितना दर्जन?
केला जी मुख्य खरे है 100 भी 150 भी है 2 भी है 250 भी है। अच्छा तो और राणा जी किदा हाल चाल है जी? वधिया वधिया वा। हां जी माशाल्लाह सही दिहाड़ी कमा लेने। हां जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नीयत साफ करके बेचीदा है? नीयत साफ करके चलो माशाल्लाह चंगी गल है, नीयत साफ करके बेचने चाहिए है। तो केले भी साफ कर लिया करो कभी कभी कि नीयत ही साफ करनी है। पट्टी नूं प्यास ही बड़ी लगी आ। राणा जी किदा टायर ही ना पाड़ जे हैं? सुइयां नहीं तेरे खुफियां इन्ना वजन माशाल्लाह पा दिता ही उत्ते ते टायर ही जांदा रहा ते फिर दो तीन मन वजन है तेरा।